स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2020 के लिए स्क्वाड का प्रीव्यू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मुंबई इंडियंस की स्क्वाड का भी प्रीव्यू किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के पिछले साल के ओपनर्स शिखर धवन और पृथ्वी शो, दोनों का ही पिछला सीज़न काफ़ी अच्छा रहा था, खास करके शिखर धवन का। और दोनों की स्ट्राइक रेट भी पिछले साल की देखिए दोनों की 135 के आसपास है। इस साल दिल्ली के टॉप ऑर्डर में दो नए प्लेयर्स भी ऐड हुए हैं, जिनमें से पहला नाम है अजिंक्य रहाणे का। रहाणे ने पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था और सीज़न काफ़ी अच्छा रहा था। रहाणे ने पिछले साल एक सेंचुरी भी लगाई थी। दूसरा नाम है इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय का। जेसन रॉय का आईपीएल करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की फॉर्म को देखते हुए दिल्ली ने उन्हें खरीदा। उसके बाद नाम आता है दिल्ली के कैप्टन श्रेयस अय्यर का। पिछले साल में अय्यर ने काफ़ी रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो 120 से भी कम है। लेकिन अय्यर की स्ट्राइक रेट की भरपाई ऋषभ पंत ने कर दी। ऋषभ पंत ने पिछले साल रन्स भी बनाए 38 की एवरेज से और 163 की स्ट्राइक रेट भी थी, जो कि पंत को दिल्ली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाती है। उसके बाद नाम आता है बिल्कुल ही ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी का, शिमरॉन हेटमायर। शिमरॉन हेटमायर ने पिछले साल आरसीबी की तरफ से खेला और आरसीबी की तरफ से खेलते हुए हेटमायर ने आरसीबी को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी मैच भी जिताया। और उसके बाद भी हेटमायर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ टूर टू इंडिया में काफ़ी अच्छे से रन बनाए, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स ने काफ़ी अच्छी दाम में हेटमायर को खरीदा। बाद में नाम आता है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का। पिछले दो बिग बैश लीग सीजन्स में ओपन करते हुए स्टोइनिस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अगर आईपीएल में स्टोइनिस उस परफॉर्मेंस का आधा भी दे दें तो दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलेक्स कैरी का। कैरी का वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा रहा था, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर रहे थे एलेक्स कैरी। लेकिन उसके बाद एलेक्स कैरी का इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप स्कोर 35 का रहा है। उसके बाद दिल्ली के पास दो ओवरसीज़ बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें से पहला नाम है कीमो पाउल का। कीमो पाउल ने पिछले साल 3 विकेट होल्ड किया सिर्फ 17 रन देकर। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कीमो पाउल के नाम एक 5 विकेट हॉल है, सिर्फ 15 रन देकर 5 विकेट लिए हैं कीमो पाउल ने। और दूसरा नाम है इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का। वोक्स कीमो पाउल से बिल्कुल अलग हैं। कीमो पाउल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, जबकि क्रिस वोक्स न्यू बॉल से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। अब बारी है इस टीम के स्पिनर्स की। इस टीम के पास चार बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, संदीप लामिछाने, अमित मिश्रा और रविचंद्रन अश्विन। ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर्स में अमित मिश्रा पहले नंबर पर हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन चौथे नंबर पर हैं। अश्विन पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, जबकि मिश्रा और पटेल मिडिल ओवर्स के अच्छे बॉलर्स हैं। अब बारी है इस टीम के फास्ट बॉलर्स की। इस टीम के पास दो एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स हैं, ईशांत शर्मा और किगिजो रबाडा। रबाडा का तो पिछला सीजन बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा था। ईशांत शर्मा नई बॉल से विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं पावर प्ले में, जबकि रबाडा एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। और पिछले साल डेथ बॉलिंग में कोई भी बॉलर रबाडा के आसपास भी नहीं था। दिल्ली कैपिटल्स के पास आवेश खान और हर्षल पटेल भी हैं, जो दोनों काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। तो ये था दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की 2020 की आईपीएल स्क्वाड का प्रीव्यू। अगली वीडियो में मैं किस टीम की स्क्वाड का प्रीव्यू करूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।